मैं गोपाल दत्तवर्मा जी के इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अनगल बातें करते हैं, उनको कुछ नहीं पता है क्या बात करनी है, और उनका हमेशा गिरगिट कर रंग बदलते रहे हैं शुरू से लेके, वो कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलना, कभी बीजेपी के खिलाफ बोलना, और वो किसी भी संस्था के कुछ नहीं है, वो स्वयं भूल नेता है। हमें बताएं वो कहाँ रजिस्टर्ड है, कौन सी उनकी कार्यकारिणी है, अकेले घूम रहे हैं, अकेले बोलना है, पागलों की तरह बोलते रहते हैं। अब जो 17 तारीख को बोल रहे हैं, मैं नहा ना के करूंगा, आ जाए नहान कर, जिला श्रम और कर्मचारी महासंघ का घेराव करेगा, उनसे पूछेगा कि आप कहाँ के अध्यक्ष हो। और एनपीएस की 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, उसमें हमारे अराजपत्र कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी होंगे और राजीव शर्मा जी होंगे, और एनपीएस के प्रधान आपके प्रदीप ठाकुर जी भी उसमें होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, तो उस पर मुझे पूरा विश्वास है सकारात्मक कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। क्या बोलने का 94 में राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ थे वो, उसके बाद धूमल जी के गुणगान लग गए करने, जब चुनाव का टाइम आया तो फिर राजा साहब के गुणगान लग गए करने, उसके 12 में फिर इनके गुणगान लग गए करने, वो गिरीट की तरह रंग बदलते हैं। और पहली कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री ने 15,000 करोड़ के लाभ दिए हैं, जो कि एक इतिहास है हिमाचल में। सारी हमारी महासंघ अश्विनी ठाकुर जी के द्वारा हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, सब हो गई हैं, लेकिन वो अपने जो बयानबाजी, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।